गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स, दिस इज योर एमबी क्लास। नाउ ओपन पेज नंबर 29 इन योर एमबी बुक। सी ऑन द टॉप ऑफ द पेज देयर इज चैप्टर सिक्स। चैप्टर सिक्स इज अबाउट द टॉपिक द की टू सक्सेस, वैल्यू डिटर्मिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। Determination or perseverance is the key to success. What determination or perseverance means? Determination or perseverance means a strong will power to achieve a goal. ये जो determination और perseverance है, इसको success का main key माना जाता है. To achieve glory and success, one should have a strong will. लाइफ में ग्लोरी एंड सक्सेस को अचीव करने के लिए किसी के अंदर स्ट्रॉन्ग विल या स्ट्रॉन्ग डिजायर रहना चाहिए। हार्ड वर्क एंड कंटिन्यूअस एफर्ट्स मेक अ पर्सन अचीव मेनी थिंग्स। किसी पर्सन का हार्ड वर्क एंड कंटिन्यूअस एफर्ट्स उस पर्सन को हेल्प करते हैं लाइफ में बहुत सारे थिंग्स को अचीव करने के लिए। किसी पर्सन का हार्ड वर्क एंड कंटिन्यूअस एफर्ट उनको सपोर्ट करते हैं लाइफ में बहुत कुछ चीजें, बहुत कुछ थिंग्स को अचीव करने के लिए। एवरी पर्सन इज डिफरेंट एंड यूनिक। हर एक पर्सन डिफरेंट होते हैं और यूनिक भी होती है। ही पॉजिसेस स्पेशल हिडन क्वालिटीज। व्हाट हिडन क्वालिटीज मीन्स? हिडन क्वालिटीज मीन्स सम क्वालिटीज those will be in sleeping condition in a person and these qualities don't come to the public light usually। ठीक है, ऐसा कुछ qualities एक person के अंदर रहता है जो कि sleeping condition में रहता है, वो usually public light में वो qualities वो इंसान show नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं hidden qualities। ठीक है, He possesses special hidden qualities means हर एक person के अंदर एक special qualities है जो उनके अंदर sleeping condition में है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने वो qualities को utilize नहीं करते हैं, इसलिए वो sleeping condition में रहता है। तो हर एक person के अंदर एक hidden qualities है। These dormant capacities and abilities need to be utilized to achieve fame and success in life. Dormant means also hidden. Okay? तो life में fame and success ये दोनों को achieve करने के लिए हमारे अंदर जो hidden qualities है उसको utilize करना पड़ेगा। ठीक है, life में fame, famous होने के लिए और success पाने के लिए हमारे अंदर का जो hidden qualities है, hidden capacities है, उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। अ पर्सन शुड पॉजिस अ स्ट्रॉन्ग विल पावर इन ऑर्डर टू यूटिलाइज दीज क्वालिटीज अप टू द फुलेस्ट। एक पर्सन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर रहता है, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर रहता है इस क्वालिटीज को यूटिलाइज करने के लिए। ठीक है, एक पर्सन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर और एक स्ट्रॉन्ग डिजायर रहना चाहिए इस हिडन क्वालिटीज को बहुत अच्छे से एकदम फुल फ्रेज में यूज करने के लिए। वन शुड रियलाइज हिज पॉजिटिव इंडिविजुअल कैपेसिटीज एंड यूज देम प्रॉपरली। हर एक पर्सन के अंदर जो अपना इंडिविजुअल क्वालिटीज रहता है, जो अपना क्वालिटीज रहता है, हर एक पर्सन उस क्वालिटीज को रियलाइज करे और उसको प्रॉपरली यूज करे। इफ ही डज सो द डोरमेंट पावर्स विल वेक अप एंड बिकम एक्टिव वेरी सून। ऐसे करने से क्या होगा, उनके अंदर का जो डोरमेंट पावर्स है, जो डोरमेंट कैपेसिटीज है, वो बहुत जल्दी वो वेक अप हो जाएगा और बहुत जल्दी एक्टिव भी हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक पर्सन के अंदर जो अपना क्वालिटीज रहता है, वही पर्सन अपना क्वालिटीज को रियलाइज करे और उसको प्रॉपरली यूज करे तो क्या होगा, तो उनके अंदर का जो हिडन क्वालिटीज है वो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाएगा। लुईस ब्रेल बिकेम ब्लाइंड ड्यू टू एन एक्सीडेंट। लुईस ब्रेल, सी दिस इज द पिक्चर ऑफ लुईस ब्रेल। ओके, so see here,
लुईस ब्रेल बिकेम ब्लाइंड ड्यू टू एन एक्सीडेंट। एक एक्सीडेंट के कारण लुईस ब्रेल ब्लाइंड हो गए थे, बट ही बिकेम अ वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी बिकॉज ही वॉक्ड हर्ड। बट उन्होंने एक वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी बन गए थे क्योंकि उन्होंने बहुत हार्ड वर्क करते थे। तो ये जो लुईस ब्रेल है, उन्होंने एक एक्सीडेंट में अपना जो आंख है उसको खो दिए थे, मींस उन्होंने ब्लाइंड हो गए थे एक एक्सीडेंट में। बट उनका जो हार्ड वर्क है उनको क्या दिए उनको, उनका जो हार्ड वर्क है उनको वर्ल्ड में एक फेमस फेम दिया। ओके, ये जो लुईस ब्रेल है एक एक्सीडेंट में ब्लाइंड हो गए थे, बट उनका जो हार्ड वर्क है उनको हेल्प किए है वर्ल्ड में फेमस होने के लिए। ही वॉज कॉन्फिडेंट एंड डिटरमाइंड टू ओवरकम ऑल ऑब्स्टाकल्स इन लाइफ। उनके अंदर क्या था, कॉन्फिडेंस था एंड डिटर्मिनेशन था। ठीक है, तो लाइफ में हर एक स्ट्रगल को ओवरकम करने के लिए, उनके अंदर कॉन्फिडेंट एंड डिटर्मिनेशन था। ठीक है, हिज कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन मेड हिम इन्वेंट द ब्रेल स्क्रिप्ट। उनका जो कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन है उनको हेल्प किए क्या करने, ब्रेल स्क्रिप्ट को इन्वेंट करने के लिए उनको हेल्प किए। ठीक है, उन्होंने खुद ब्लाइंड थे, जो लुईस ब्रेल थे उन्होंने खुद ब्लाइंड थे एक्सीडेंट में, अपना आंख का जो पावर है उसको खो दिए थे। फिर उन्होंने वर्ल्ड में फेमस एक पर्सनालिटी बन गए थे क्योंकि उन्होंने बहुत हार्ड वर्क करते थे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस था, डिटर्मिनेशन था लाइफ में हर एक ऑब्स्टाकल को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, उनके अंदर का जो डिटर्मिनेशन एंड कॉन्फिडेंस वो इतना तेज था, उन्होंने क्या इन्वेंट किया, ब्रेल स्क्रिप्ट। दिस स्क्रिप्ट इज यूज्ड फॉर रीडिंग एंड राइटिंग बाय ऑल द ब्लाइंड पीपल ऑफ द वर्ल्ड। ये जो ब्रेल स्क्रिप्ट है वो क्या काम पे आता है, वर्ल्ड में जितने ब्लाइंड लोग होते हैं उनको पढ़ाई लिखाई के काम में ये ब्रेल स्क्रिप्ट काम पे आता है। ठीक है, हेलेन केलर बिकेम ब्लाइंड एंड डेफ एट द एज ऑफ 19 मंथ्स। ये जो हेलेन केलर है, सी दिस पिक्चर, दिस इज हेलेन केलर। ओके, ये जो हेलेन केलर है वो 19 मंथ्स की एज में ब्लाइंड एंड डेफ हो गए थे। ठीक है, तो हेलेन केलर 19 मंथ्स की एज में ब्लाइंड एंड डेफ हो गए थे। Her strong determination made her become the first deaf blind person to earn a Bachelor of Arts degree. उनके अंदर का जो strong determination था उनको help किए इस world में first time blind and deaf होने के बाद भी Bachelor of Arts degree earn करने में उनको help किए। ठीक है, ये जो हेलेन केलर है उन्होंने अपने 19 मंथ्स की एज में ब्लाइंड एंड डेफ हो गए थे, और हेलेन केलर ही फर्स्ट डेफ एंड ब्लाइंड पर्सन थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री अचीव किए थे। सी वॉज अवॉर्डेड द प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम, द नेशंस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। और इसीलिए उनको क्या क्या अवार्ड मिला था, प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड एंड द नेशंस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ओके, अब्राहम लिंकन बोर्न इन अ स्लेव फैमिली, स्लेव मीन सर्वेंट। सी दिस इज द पिक्चर ऑफ अब्राहम लिंकन। ओके, अब्राहम लिंकन बोर्न इन अ स्लेव फैमिली। अब्राहम लिंकन एक स्लेव फैमिली में, एक सर्वेंट फैमिली में बॉर्न हुए थे। बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए बिकॉज ऑफ हिज कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन।
बट वो अपना कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन के लिए उन्होंने यूएसए का प्रेसिडेंट बन गए थे, ठीक है। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गए थे। ये जो अब्राहम लिंकन है, उन्होंने एक सर्वेंट फैमिली में बॉर्न हुए थे, बट उनके अंदर का जो डिटर्मिनेशन है, उनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, उनको हेल्प किए थे अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने में। इवन टुडे अब्राहम लिंकन इज रिमेम्बर्ड एंड रेस्पेक्टेड फॉर हिज गुडनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। आज भी अब्राहम लिंकन को लोग याद करते हैं उनका गुडनेस और कैरेक्टर, अच्छी कैरेक्टर के लिए, ठीक है। आज भी लोग अब्राहम लिंकन को याद करते हैं उनके गुडनेस के लिए और उनके कैरेक्टर का जो स्ट्रेंथ है उसके लिए। ही अबोलिस्ट स्लेवरी एंड फॉट फॉर ट्रूथ एंड राइटियसनेस। ये जो अब्राहम लिंकन है, अबोलिस्ट मीन्स स्टॉप्ड, ओके। अब्राहम लिंकन ये जो स्लेवरी सिस्टम था उसको एबोलिश किए थे, उसको स्टॉप किए थे। एंड फॉट फॉर ट्रूथ एंड राइटियसनेस, ट्रूथ सच एंड हक के लिए उन्होंने फाइट किए थे। चिल्ड्रेन यू टू कैन बिकम एज ग्रेट एज दीज पर्सनैलिटीज। सो स्टूडेंट्स, आप भी ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटी बन सकते हो। फॉर दिस यू नीड टू बी हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, हार्डवर्क करना चाहिए और हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए। यू मस्ट पॉजिस द पावर ऑफ टॉलरेंस करेज एंड अबव ऑल यू शुड बी डिटरमाइंड टू अचीव योर एम। तो इसीलिए आपके अंदर क्या रहना चाहिए, द पावर ऑफ टॉलरेंस, है ना, द पावर ऑफ टॉलरेंस आपके अंदर रहना चाहिए। मतलब हर एक चीज को फेस करने का जो करेज है, जो ब्रेवरी है, वो रहना चाहिए, करेज रहना चाहिए। एंड अबव ऑल यू शुड बी डिटरमाइंड टू अचीव योर एम। सबसे ज्यादा आपके अंदर वो रहना चाहिए किसी चीज को, किसी गोल को अचीव करने के लिए डिटर्मिनेशन आपके अंदर रहना चाहिए। सो बच्चे, आप भी ऐसे एक ग्रेट पर्सनालिटी बन सकते हो इन फ्यूचर। उसके लिए आपको हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा, ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। सबसे ज्यादा आपके अंदर क्या रहना चाहिए, द पावर ऑफ टॉलरेंस करेज एंड किसी चीज को, किसी गोल को अचीव करने के लिए डिटर्मिनेशन रहना चाहिए। डिटर्मिनेशन मीन्स होल्डिंग फॉर्मली टू वन्स डिसीशन once it has been taken, okay? तो ये जो determination है, इसका मतलब क्या है? I have already told you about it. Has a strong will to achieve something, है ना? तो आप कुछ लाइफ में कुछ बनने के लिए कुछ डिसीशन लिए हो, है ना? तो उस डिसीशन को आपको ठीक रखना चाहिए और हार्ड वर्क करना चाहिए उसको अचीव करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड दिस पेज, पेज नंबर 29 प्रॉपरली। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक।